हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बेटा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वर्नर्स थ्योरी, गिवन बाय अल्फ्रेड वर्नर, नेम ऑफ साइंटिस्ट, इन 1893 बेटा। ओके, तो व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी? मेन पोस्टुलेट्स क्या है बेटा? मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बेटा, एनी मेटल एटम हैज टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। अकॉर्डिंग टू दिस द फर्स्ट पोस्टुलेट बेटा, एनी मेटल एटम हैज टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। टू टाइप की वैलेंसीज होती है बेटा मेटल एटम की। फर्स्ट इज प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी बेटा, और प्राइमरी वैलेंसी को बेटा हम प्रिंसिपल वैलेंसी बोल देते हैं, और आयोनाइजेबल वैलेंसी। प्राइमरी और प्रिंसिपल और आयोनाइजेबल, आयोनाइजेबल जेड लिखो या एस लिखो, दोनों ही ठीक है। आयोनाइजेबल वैलेंसीज प्राइमरी वैलेंसीज होती है बेटा ये। सेकंड जो होती है बेटा, सेकेंडरी वैलेंसीज, सेकेंडरी वैलेंसीज और बेटा नॉन आयोनाइजेबल बोलते हैं इनको, नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसीज। तो टू टाइप्स की वैलेंसीज होती है बेटा, प्राइमरी वैलेंसीज एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। ओके, प्राइमरी वैलेंसीज एंड सेकेंडरी वैलेंसीज, टू टाइप्स की वैलेंसीज होती है। जो प्राइमरी वैलेंसीज होती है बेटा, प्राइमरी वैलेंसीज जो होती है, दीज आर सेटिस्फाइड बाई नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस और विच आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सॉल्ट्स। ठीक है, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है या सेंट्रल मेटल आयन होता है बेटा, तो सिंपल सॉल्ट बनाने में जो वैलेंसीज एग्जिबिट करता है, उन वैलेंसीज को बेटा हम प्राइमरी वैलेंसीज बोलते हैं। ओके, सो क्या होगा यहाँ पर देखिए, सो प्राइमरी वैलेंसीज जो होंगी, दीज वैलेंसीज, तो प्राइमरी वैलेंसीज है बेटा, प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड ड्यूरिंग, और सेंट्रल मेटल एटम और आयन है, एग्जिबिट प्राइमरी वैलेंसीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सॉल्ट्स बेटा। सिंपल सॉल्ट की फॉर्मेशन में जब जो वैलेंसीज यूज होती है बेटा, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसीज, इनको प्राइमरी वैलेंसीज बोलते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल भाई, PtCl4 बोला हमने, COCl3 बोल दिया हमने, CrCl3 बोल दिया बेटा, ठीक है ना, CuSO4, ये सिंपल सॉल्ट्स हैं। इन सिंपल सॉल्ट के फॉर्मेशन में जो प्राइमरी वैलेंसीज हैं, जो यहाँ पर वैलेंसीज यूज हुई है सेंट्रल मेटल एटम की, दीज आर प्राइमरी वैलेंसीज बेटा, यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सॉल्ट। अब प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, अब एक और पॉइंट, दीज प्राइमरी वैलेंसीज आर ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट्स, है ना, दीज आर Also called oxidation states बेटा, इनको oxidation state भी बोलते हैं। Primary valencies को oxidation states भी इन्हीं को बोलते हैं बेटा। Means oxidation state होती है central metal atom की, that is nothing but primary valency के according होती है बेटा। Okay, अगर हम अब इनकी primary valencies, main oxidation state देखना चाहें, PtCl4 में platinum की oxidation state क्या बेटा? In this compound platinum की oxidation state है +4, कोबाल्ट की कितनी यहाँ पर बेटा +3 है, क्रोमियम की कितनी बेटा यहाँ पर +3 है बेटा, कॉपर की कितनी यहाँ पर +2 है, ठीक है ना, मीन सल्फेट पर 2 नेगेटिव तो कॉपर पर 2 पॉजिटिव आ जाएगा बेटा, क्रोमियम क्या नाम क्लोराइड पर 1 नेगेटिव है, पर टोटल कितने हैं 3 क्लोराइड हैं, तो 3 नेगेटिव हो गए बेटा, ठीक है ना, तो Cr पर 3 पॉजिटिव आ गया। इस टाइप से हम प्राइमरी वैलेंसीज और ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ
जो सेकेंडरी वैलेंसीज है बेटा, सेकेंडरी वैलेंसीज, ये तो थी प्राइमरी वैलेंसीज जो हमने डिस्कस की है। सेकेंडरी वैलेंसीज जो होते हैं बेटा, सेकेंडरी वैलेंसीज, अब इनको प्राइमरी वैलेंसीज को आयनाइजेबल वैलेंसी क्यों बोलते हैं बेटा? अगर हम किसी भी सोल्ट को वाटर में डिसोल्व करेंगे, इट डिसोसिएट इनटू आयंस, आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। मीन जो सोल्ट है इट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस, आयंस में डिसोसिएट हो गया, मतलब बेटा ये सोल्ट्स गेट आयनाइज, दिस सोल्ट गेट आयनाइज, आयनाइज हो गया, आयंस में कन्वर्ट हो गया। मीन जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस थे विच आर यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस सोल्ट बेटा, दिस डिसोसिएट, उनके बॉन्ड थे जो, वो डिसोसिएट हो जाएंगे कंप्लीटली विद दिस सेंटर मेटल एटम। ओके, तो इसलिए आयनाइजेबल बोलते हैं। बट सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में यूज होती है बेटा। ओके, तो सेकेंडरी वैलेंसीज कौन सी होती है? दीज वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, दीज आर सेटिस्फाइड बाय मेटल एटम और मेटल आयन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। बेटा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में ये सेटिस्फाई होती है, ठीक है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में होती है बेटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं बेटा इसके लिए। सपोज मैं K3FeCN6 ये ले लिया मैंने कंपाउंड, तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स एंटिटी, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में जो यूज हुई है यहाँ पर, दिस इज सेकेंडरी वैलेंसी, साइनाइड लिगेंड्स हैं, ठीक है ना, ये सिक्स साइनाइड लिगेंड इसके साथ बोन बनाए बेटा, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है दिस इज नथिंग बट सेकेंडरी वैलेंसीज, दिस आर ऑल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना। इन दिस डेज बेटा सेकेंडरी वैलेंसीज आर ऑल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे हम प्राइमरी वैलेंसीज को ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते थे बेटा, इसी तरह तो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोला जाता है इनको। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है दीज आर नथिंग बट बेटा सेकेंडरी वैलेंसीज, सेकेंडरी वैलेंसीज सेटिस्फाई होता है बेटा। ओके, नाउ अब ये लिया मैंने एग्जांपल लिया बेटा यहाँ पर, हम अनदर एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज PtCl2En दिस वन, ठीक है, होल ट्वाइस, ये हो गया 2 × 4 × 6 हेक्सा कोऑर्डिनेटेड हो गया, प्लस चार्ज आ गया सपोज दिस। ओके, तो यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें बेटा, हम डिस्कस करें कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है बेटा, ये ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद लिगेंड्स जो यूज हुई है, दीज आर द सेकेंडरी वैलेंसीज, ठीक है। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है इस कंपाउंड में, कितनी है? दैट इज नथिंग बट कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बेटा? 6, दिस इज सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। हियर व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2 × 4 × 6 अगेन 6 कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा यहां पर। सो यहां पर जो हमने डिस्कस किया है यहां पर कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज नथिंग बट बेटा सेकेंडरी वैलेंसी, इसी को सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं। मीन जो वैलेंसीज यूज हुई है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्या फॉर्मेशन में बेटा भाई? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में जो यूज हुई है बेटा, दीज आर सेकेंडरी वैलेंसीज, इनको सेकेंडरी वैलेंसीज बोला जाता है बेटा। ओके, तो ध्यान रखना इस पॉइंट को, आप पजल नहीं होना यहाँ पर बिल्कुल भी। एक और पॉइंट रहा, सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है यहाँ पर भाई? तो जो प्राइमरी वैलेंसीज होती हैं दीज आर सेटिस्फाइड बाई नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। पॉइंट नंबर हम यहाँ पर 2 ले रहे हैं बेटा, यहाँ पर पॉइंट नंबर 2, जो प्राइमरी वैलेंसीज हैं, प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस ओनली, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस ओनली, ठीक है। बट जो सेकेंडरी वैलेंसीज है, बट सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड by neutral molecules
और नेगेटिवली चार्ज आयंस कोई भी हो सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव चार्ज आयंस। दीज न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव चार्ज आयंस आर कॉल्ड बेटा लिगेंड्स, इनको लिगेंड्स बोलते आए हम अभी तक, ठीक है ना। तो प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिवली चार्ज आयंस ओनली, बट जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं बेटा दीज आर सेटिस्फाइड बाय लिगेंड्स विच आर प्रेजेंट इन द स्केल ब्रैकेट, और ये कहाँ होंगे, आउटसाइड द स्केल ब्रैकेट होते हैं बेटा। ओके, सो दोनों के दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने की टेंडेंसी रखता है सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ओके, इसका मीनिंग क्या है कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन हैज टेंडेंसी टू सेटिस्फाई बोथ वैलेंसीज, सिंपल सा पॉइंट है। ओके, दिस मीन्स क्या हो गया यहाँ पर बेटा, दिस मीन्स सेंट्रल मेटल एटम has tendency to satisfy its both types of valences, दोनों टाइप के वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने की टेंडेंसी रखता है बेटा। मीन प्राइमरी वैलेंसी भी और सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव चार्ज आयंस ओनली, बट सेकेंडरी वैलेंसीज हैं दीज आर सेटिस्फाइड बाय बेटा न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, इनको ये सेटिस्फाई करेंगे। ओके, नाउ तो सेकेंडरी वैलेंसीज होती है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंडरी वैलेंसीज आर डायरेक्शनल इन नेचर, बट जो प्राइमरी वैलेंसीज होती है दीज आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। ओके, थर्ड पॉइंट, थर्ड मेन पोस्टुलेट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा हम अब वर्नर थ्योरी का, ये क्या है बेटा कि जो प्राइमरी वैलेंसीज है दीज आर नॉन डायरेक्शनल, बट जो सेकेंडरी वैलेंसीज है दीज आर डायरेक्शनल इन नेचर बेटा, दीज आर डायरेक्शनल, ठीक है। थर्ड पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसीज प्राइमरी वैलेंसीज है बेटा या फिर प्राइमरी वैलेंसी है इट्स सेटिस्फाइड बाय, कौन सेटिस्फाई करेगा बेटा इसको, दीज आर सेटिस्फाइड बाय वी कैन से प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय और वी कैन से दीज आर नॉन आयोनाइजेबल इन नेचर, प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल इन नेचर बेटा, ठीक है ना, मीन सेटिस्फाई होंगे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयंस, अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे, मीन वी कैन से दीज आर आयोनाइजेबल इन नेचर, प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल इन नेचर, ठीक है। बट जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती है बेटा दीज आर नॉन आयोनाइजेबल, इसलिए अगर ये आयनाइजेबल है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, दीज आर नॉन डायरेक्शनल, दीज आर नॉन डायरेक्शनल, सो दीज आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर बेटा। बट जो सेकेंडरी वैलेंसीज है, सेकेंडरी वैलेंसीज आर डायरेक्शनल इन नेचर, दीज आर डायरेक्शनल इन नेचर कैसे बोल सकते हैं बेटा, बिकॉज दीज आर सेटिस्फाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ओके, और जो लिगेंड्स अप्रोच करते हैं टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, दे अप्रोच टू द सेंट्रल मेटल एटम अलोंग स्पेसिफिक डायरेक्शंस। ओके, बिकॉज लिगेंड्स approach to the central metal atom or ion along spatial directions in space, spatial word spatially use kiya jata hai beta directions,
है ना, अलोंग स्पेशल डायरेक्शंस से आएंगे, अप्रोच करेंगे सेंट्रल मेटल एटम को या आयन को बेटा, उस टाइम पर जो ज्योमेट्री बनती है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। हमने डिस्कस किया था पहले कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, जो अरेंजमेंट होती है लिगेंड्स की विद सेंट्रल मेटल एटम, ओके, अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस। सो दीज अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। द मेन सेकेंडरी वैलेंसीज आर यूज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बनाने में यूज होती है। सो दीज आर डायरेक्शनल इन नेचर, क्यों, कॉम्प्लेक्स कब जब बनेगा तो वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनेंगे, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हुए बेटा लिगेंड्स अप्रोच करेंगे सेंट्रल मेटल एटम को, वो स्पेसिफिक डायरेक्शंस के अलोंग ही अप्रोच करेंगे, ठीक है। सो दीज आर डायरेक्शनल इन नेचर, बट जो प्राइमरी वैलेंसीज है दीज आर आयनाइजेबल थी, सो दीज आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। नॉन डायरेक्शन का मतलब ये आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होती है बेटा। यहाँ पर सोल्ट जो बनाया था यहाँ पर वो किसी भी साइड से अप्रोच कर सकता, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगा, सिंपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड दैट नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, ओके। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस वर्नर थ्योरी बेटा। नाउ डिटरमिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर थ्योरी, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा इसमें, डिटरमिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिटरमिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर्स थ्योरी, वर्नर थ्योरी पर बेस्ड होकर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स। देखिए डिटरमिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स बेस्ड अपॉन वर्नर्स थ्योरी। सपोज वी टेक एग्जाम्पल ऑफ बेटा COCl3 एंड अमोनिया। हम COCl3 को अमोनिया के साथ मिक्स करते हैं। अगर COCl3 को अमोनिया के साथ मिक्स करेंगे तो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस आर पॉसिबल, डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस। बाय कंसीडरिंग हियर दैट कोबाल्ट हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 6, आपको एक पॉइंट माइंड में रखना बेटा, कंसीडरेशन लेके चलना यहाँ पर कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर हमें 6 लेना बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मींस हेक्सा कोऑर्डिनेटेड होगा ये, मीन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जनरली हम डिस्कस करेंगे ये पॉइंट, ओके। तो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस आर पॉसिबल, देखिए कहिए मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज CONH3 6 ले लेता हूँ बेटा, देन Cl3 कोबाल्ट इज हेक्सा कोऑर्डिनेटेड, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया, क्या पॉसिबिलिटी है, CONH3 5 ले लिया हमने, एक Cl अंदर ले आया, ठीक है ना, अभी भी हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है, 5 अमोनिया के साथ और 1 क्लोराइड के साथ आ गया, ठीक है ना। नाउ अब के बाद 2 क्लोराइड आयंस बाहर हो गए, मीन 2 आयनाइजेबल आयंस है यहाँ पर, 2 आयनाइजेबल वैलेंसीज हो गई। क्लोराइड है जो आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट है ये आयनाइजेबल है, और जो क्लोराइड अंदर चला गया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये लिगेंड का काम करेगा, ये बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, दिस इज नॉन आयनाइजेबल नाउ, ओके। नाउ थर्ड एग्जांपल मैं इसी का बना लेता हूं, सपोज CONH3 4 अमोनिया 4 ले लिया हमने, एक क्लोरीन और अंदर आ गया तो Cl2 एक Cl बाहर रह गया, ठीक है। मीन कॉम्पोजिशन यही लेनी, मीन Cl तो 3 रहेंगे, अमोनिया एज ए लिगेंड ये वेरी कर सकता है, कितने अमोनिया के मॉलिक्यूल इसके साथ कंबाइन करते हैं रिएक्ट करते हैं डिपेंड्स अपॉन दैट, अमोनिया एज ए लिगेंड इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी यहाँ पर कि अमोनिया को कैसे चेंज कर रहे हैं हम, यहाँ पर CONH3 होल थ्राइस कर दिया मैंने, Cl3 ये Cl के अंदर आ गया दिस, ओके। अब पॉइंट स्ट्रक्चर कैसे पता चले, मीन किस टाइप से हम चेक करें कि हाउ मेनी आयंस आर आयनाइजेबल है, कैसे आयनाइजेबल, कितने आयनाइजेबल आयंस प्रेजेंट होंगे हम कैसे चेक कर सकते हैं बेटा, ये आपको देखना है। मैंने सभी हेक्सा कोऑर्डिनेटेड लिए हैं, कॉम्प्लेक्स हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है, मीन ये तो ऑक्टाहेड्रल लिया ज्योमेट्री यहाँ पर, नो डाउट इसमें, बट आप नंबर ऑफ क्लोराइड आयन चेक करो आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट कितने, वो सभी में डिफरेंट कर रहे हैं, डिफर कर रहे हैं यहाँ पर, ओके। मान लिया इसके अंदर हम सीरो नाइट्रेट सोल्यूशन डाल देते हैं सभी में, इन ऑल दिस हमें नहीं पता कि फॉर्मूला क्या है, ठीक है, हम क्या करते हैं इसमें सीरो नाइट्रेट सोल्यूशन डाल दिया हमने सभी में, AgNO3 यहाँ भी AgNO3 सीरो नाइट्रेट सोल्यूशन डाला, यहाँ भी AgNO3 सीरो नाइट्रेट सोल्यूशन डाला बेटा, ठीक है,
इसमें डालेंगे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डाला। यहाँ पर तो कोई डिसोसिएशन नहीं होगा, कोई रिप्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी इसके यहाँ पर, बट इनमें हो जाएगी। सो हेयर अगर डिकम्पोज नहीं होगा, आयंस में डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा यहाँ पर, सो दिस मीन दैट दिस इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर यह आ गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स आयन है जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं ये सारी नॉन आयनाइजेबल है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, आयंस में डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा तो इलेक्ट्रोलाइट की तरह कैसे बिहेव करेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। नाउ सिमिलरली अब यहाँ पर इनमें देखिए बेटा, अगर इसमें AgNO3 डालते हैं व्हाट हैपेंस, Ag पॉजिटिव आएगा, यहाँ से Cl नेगेटिव को लेगा बेटा, आयनाइज हो जाएंगे तो AgCl बनेंगे। कितने मॉलिक्यूल AgCl के बनेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ AgCl कम्स आउट, उसके अकॉर्डिंग बैलेंसिंग होती जाएगी यहाँ पर, मेन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ AgNO3 आर रिक्वायर्ड, ये कर लो आप चाहे, ठीक है ना। और कॉम्प्लेक्स चेंज हो जाएगा यहाँ पर, जो न्यू प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज अ न्यू प्रोडक्ट AgCONH3 होल 6 और दिस इज NO3 होल 2, या ठीक है। सिमिलरली हेयर इन सेकेंड केस बेटा CONH3 होल 5 Cl, अब की बार दो क्लोराइड बाहर जाएंगे तो NO3 होल 2 हो जाएगा बेटा प्लस 2 AgCl, ठीक है। थर्ड केस में यहाँ पर एक NO3 ये 2 ले लिया हमने, ठीक है ना, दिस वन सिमिलरली बैलेंस कर दिया तो CONH3 होल 4 Cl2 1 नाइट्रेट आ जाएगा बेटा यहाँ पर प्लस AgCl 1 मॉलिक्यूल, और वी कैन से 1 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड कम्स आउट गेट्स प्रेसिपिटेटेड, ओके। यहाँ पर कोई होगा, यहाँ पर देखो इस फोर्थ केस में कुछ भी नहीं है यहाँ पर, नो पॉसिबिलिटी। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब ये फर्स्ट थ्री टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं दीज गेट आयनाइज्ड, इसका मीनिंग क्या है कि दीज थ्री आर फर्स्ट थ्री कॉम्प्लेक्सेस एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेंगे, और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी वो किस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में कंडक्ट होगी इनकी बेटा, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट के लिए होता है दिस इज वन आयन, और बेटा यहाँ पर देखिए अगर डिस्ट्रैक्ट होगा तो 1 कॉम्प्लेक्स आयन प्रोड्यूस करेगा एंड 3 क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करेगा, तो 1:3 के रेशो में जो आयन प्रोड्यूस होंगे यहाँ पर, जो इलेक्ट्रिसिटी जो कनेक्टिविटी प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर, जो कनेक्टिविटी होगी दैट इज अकॉर्डिंग टू बेस्ड अपॉन आयन्स, दैट इज 1:3 की रेशो में होगी, 1 पार्ट जो होगा ड्यू टू दिस कॉम्प्लेक्स आयन और 3 पार्ट जो होंगे कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें ड्यू टू 3 क्लोराइड आयन्स। इसी तरह यहाँ पर 1:2 का रेशो होगा, इसी तरह यहाँ पर 1:1 का रेशो होगा, ठीक है। मीन आपको ये चेक करना कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ AgCl आर प्रोड्यूस्ड है, जितने AgCl के मोल प्रोड्यूस हुए हैं रिएक्शन में उतने ही यहाँ पर जो आयन्स हैं क्लोराइड आयन्स हैं दीज आर प्रेजेंट आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, ओके। मीन दीज क्लोराइड आयन्स एक्ट एज और सेटिस्फाई प्राइमरी वैलेंसीज ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, अंडरस्टैंड किया पॉइंट। तो यहाँ से आपको इस टाइप से पता चल जाएगा, हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल है बेस्ड अपॉन दिस, ये न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ओके बेटा। तो देखिए कैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CrCl3 4H2O है बेटा प्रेसिपिटेट्स एज 1 मोल ऑफ AgCl विद AgNO3। देखो यही आ गया कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब रिएक्शन किया इसका तो 1 मोल ऑफ AgCl प्रोड्यूस किया है इन द सॉल्यूशन। Its molar conductivity is found to be equivalent to 2 ions. 2 ions means जो molar conductivity जो मिली इसकी that is equivalent to produced by 2 ions. दो ions में से एक ion तो कौन सा होगा भाई? Complex ही होगा. और दूसरा ion कौन सा होगा? Counter ion. उसके distinct होने से आई है. ठीक है? तो देखो फिर कैसे इसका structural formula हम calculate करेंगे इसका. ठीक है? What is the structural formula and name of the compound? ये आपको चेक करना. देखो कैसे हमें बोला गया दिस इज द कॉम्प्लेक्स, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें गिवन है बेटा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 CrCl3 4H2O, दिस वन। इसमें बोला गया कि अगर सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो 1 मोल ऑफ AgCl इज प्रोड्यूस्ड, इसका मतलब क्या है? एक क्लोराइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है, बाकी सारे अंदर है। सिंपल पॉइंट क्या बोला गया यहाँ पर कि अगर इसकी सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो इट गिव्स 1 मोल ऑफ AgCl, 1 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रोड्यूस करता है। इसका मीनिंग क्या है? दिस मींस बेटा 1 क्लोराइड इज प्रेजेंट आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट,
आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट सिर्फ एक ही क्लोराइड प्रेजेंट है, बाकी अंदर जाएंगे सारे. एंड अगेन कंसीडर हियर दैट सेंट्रल मेटल एटम इज हेक्सा कोऑर्डिनेटेड बाय कंसीडरिंग. ठीक है, ये आपको कंसीडर करना बेटा, सीआर इज हेक्सा कोऑर्डिनेटेड, दिस इज हेक्सा कोऑर्डिनेटेड, मेन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कंसीडर करना सेंट्रल मेटल एटम का. ओके, जनरली ऑक्टेनल कॉम्प्लेक्सेस में हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को. देखिए फिर कि अगर एक सीएल बाहर रहेगा, क्योंकि वन एजी सीएल का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किया तो वन सीएल इज प्रेजेंट आउटसाइड, तो अंदर कितने रह गए, फोर के फोर तो ये वाटर लिगेंड होंगे, वाटर एज लिगेंड, और टू क्लोराइड हेक्साकोऑर्डिनेटेड हो जाएगा. मेन फॉर्मूला क्या बनेगा, देयरफॉर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज क्या होगा बेटा, दिस सीआर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है बेटा, H2O4Cl2 दिस, और एक क्लोराइड बाहर आ गया यहां पर. ठीक है ना, कनेक्टिविटी प्रोड्यूस ही टू आयंस के इक्विवेलेंट, और टू आयंस में से एक तो आयन कौन सा हो गया, देखो ये कॉम्प्लेक्स आयन और दूसरा क्या होगा, क्लोराइड आयन. बिल्कुल सही बोल रहा है. ठीक है बेटा, इसी के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया है. अगर इसमें AgCl हम इसमें सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं, इसका मीनिंग क्या है बेटा, कि एक ही AgCl बनेगा यहां पर, इससे ज्यादा क्लोराइड प्रेसिपिटेट नहीं हो सकते, मीन एक क्लोराइड बाहर हो गया बाकी सारे अंदर जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज द बेटा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और नेम लिखो इसका, IUPAC नेम कहना हो, IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड बेटा. सिंपल, देखिए क्या होगा IUPAC नेम इसका बेटा, पहले कॉम्प्लेक्स कटायन का फिर एनायन का नेम लिखेंगे. ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो बेटा, X वाटर पर 0 चार्ज इनटू 4 माइनस 1 क्लोराइड पर 2 प्लस 1 क्या ना माइनस 1 हो गया क्लोराइड पर बेटा, माइनस 1 इज इक्वल टू 0 टोटल चार्ज ऑन द कंपाउंड. तो x इज इक्वल टू कितना है, तो 0 हो गया, ये माइनस 2 उधर और ये माइनस 2 ने माइनस 1 माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्लस 3. नाउ राइट डाउन IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, क्या बन गया बेटा, देखिए पहले लिगेंड्स का नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बेटा, तो टेट्रा एक्वा और एको बोल सकते हैं, डाई क्लोरिडो, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो क्रोमियम, कोई गैप नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट के नेम में बार बार बताता है हमें क्रोमियम. ऑक्सीडेशन स्टेट इज थर्ड एंड क्लोराइड, ये काउंटर पार्ट होगा बेटा, दिस इज नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स. ठीक है, ये नेम आ गया इसका, बिल्कुल इजी है, ध्यान से करेंगे तो इजीली सॉल्व कर जाएंगे आप इस क्वेश्चन को. ठीक है, पेपर में आता है इस टाइप का क्वेश्चन, ध्यान रखना, एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में भी और कॉम्पिटिशन में आ जाता है. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है यहां से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से. नाउ सेकंड क्वेश्चन बेटा, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द मोलर कनेक्टिविटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स COCl3 4NH2 2H2, ये है बेटा COCl3 4NH3 2H2 इज फाउंड टू बी सेम एज दैट ऑफ एज दैट ऑफ 3:1 इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स. 3:1 की रेशो में जो इलेक्ट्रोलाइट 3:1 इलेक्ट्रोलाइट, मीन टोटल आयंस 4 हैं, 3+1 4 आयंस है टोटल, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें टोटल आयंस 4 प्रोड्यूस हुए हैं ऐसे, तो जो मोलर कनेक्टिविटी प्रोड्यूस होती है इक्विवेलेंट टू दिस इलेक्ट्रोलाइट, इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट इक्विवेलेंट है. मीन एक तो किसके लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए आ गया, इसका मतलब 3 कौन से यहां पर काउंटर आयंस होंगे, 3 काउंटर आयंस है यहां पर, सिंपल सा पॉइंट है, 3 काउंटर आयंस एंड 1 इज कॉम्प्लेक्स आयन, उसके लिए लिखा बेटा है. ठीक है ना, और कॉम्प्लेक्स क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स इज CO Cl3 4NH3 2H2. अब हमें इसकी स्ट्रक्चर कैलकुलेट करने की, क्या बनेगा, जो कनेक्टिविटी प्रोड्यूस हुई है, कनेक्टिविटी जो प्रोड्यूस होगी दैट इज ऑफ द रेशो ऑफ 3:1. ठीक है ना, इसका मीनिंग क्या है, दिस मीन्स जो कॉम्प्लेक्स होगा हमारा इस, और कंपाउंड जो होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, मेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, दैट इज ऑफ टाइप A3B हो सकता है और AB3 टाइप का भी हो सकता है. ठीक है ना, इन दोनों में से कोई एक टाइप का कंपाउंड मिलेगा, सीधी सी बात है, एक कॉम्प्लेक्स होगा दूसरा काउंटर आयन होगा, मीन A3B मीन यहाँ पर ये काउंटर आयन होगा, ये कॉम्प्लेक्स AB3 ये कॉम्प्लेक्स होगा, ये काउंटर होगा. ठीक है ना, मीन इस टाइप का हमें कोई कॉम्प्लेक्स मिलेगा यहाँ पर. तो देखो फिर इसमें व्हाट इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला,
अब पॉइंट क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है, थ्री कॉन्ट्राइल है, सीधी सी बात है. मीन्स हेयर वन इज कॉम्प्लेक्स आयन एंड थ्री कॉन्ट्राइल्स, इसका मीनिंग जान पड़िए. अब ये कंपाउंड है, देखो ये कॉन्ट्राइल नहीं बना सकता, ये भी नहीं बनाएगा, ठीक है ना. तो कॉन्ट्राइल कौन सा बनाएगा, ये बनाएगा, थ्री कॉन्ट्राइल. इसका मतलब क्या है, अगेन कीपिंग इन माइंड दैट, क्या आपको ये माइंड में रखना पॉइंट, कीपिंग इन माइंड बेटा दैट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज सिक्स. ये सिक्स रखना कोऑर्डिनेशन नंबर इसका, तो क्या बनेगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या बन गया, स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, देखिए दिस, क्योंकि ये अगर सीएल बाहर जाएगा क्लोराइड थ्री, यही आयनाइजेबल हो सकते हैं यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था रूल्स में कि नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स को होंगे जो वही सेटिस्फाई करेंगे प्राइमरी वैलेंसीज को, ठीक है ना. प्राइमरी वैलेंसीज की वजह से ये थ्री आया, थ्री इज टू वन, ठीक है ना. थ्री है तो थ्री पार्ट प्राइमरी वैलेंसीज के, वन टोटल किसका लिया आएगा, कॉम्प्लेक्स के लिए, जो सेकेंडरी वैलेंसीज सेटिस्फाई करके जिस कॉम्प्लेक्स को बनाती है. ओके, इसका मतलब ये तो नेगेटिव चार्ज है, मीन कॉम्प्लेक्स जो होगा वो पहले वो पॉजिटिव बनेगा यहाँ पर CO. अब इसमें से देखो ये अमाइन होता है और ये एक्वा होता है, AMAQ पहले आएगा बेटा, H2O होल ट्वाइस एंड बेटा NH3 होल फोर, 4 × 6 हो गया बेटा यहाँ पर, और Cl3 सी है बेटा, दिस इज द कॉम्प्लेक्स जिसमें अगर ये डिसोसिएट होगा तो एक तो कॉन्ट्राइन देगा ये, और थ्री क्या नाम, थ्री क्लोराइड आयन देगा जो कॉन्ट्राइन है, और वन कॉम्प्लेक्स आयन देगा. इट प्रोड्यूस कनेक्टिविटी इन द रेशियो ऑफ 3:1, 1:3, ये आ गया 1 इसके लिए, 3 इसके लिए, ठीक है ना. 1:3 की रेशियो मीन 1:3, ये आ गया 1:2, इस टाइप का आ गया कंपाउंड हमारे पास, ठीक है ना. सो दिस इज द कंपाउंड. ओके, और नेम लिखना होता नेम भी लिख सकते हैं आप इसका, कोई सिंपल कोई बड़ी बात नहीं है. अगर नेम भी पूछा जाए जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा था नेम, आप इसका नेम भी लिख सकते हैं. क्या बनेगा बेटा, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, ये जीरो यहाँ पर इसका, तो -3 इधर कितना आ गया, +3, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3 बेटा, ठीक है ना. राइट डाउन इट्स नेम, देखो डाई एक्वा, और एक्वा ले सकते हैं टेट्रा अमाइन कोबाल्ट, पॉजिटिव के अंदर ही है कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड, और ये क्लोराइड, दिस इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, क्लोराइड. ओके, सो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड बेटा. नाउ अब एक छोटा सा पॉइंट और हमें यहां पर डिस्कस करना बेटा, that is limitations of this Werner's theory बेटा. Werner's theory की क्या limitations हो सकती है, limitations of Werner's theory बेटा, limitations simple है भाई. Werner's theory ने बहुत सारे complexes के बारे में discuss किया है. Werner's theory is able to explain different properties of many compounds, many coordination compounds, but ये कुछ ऐसे पॉइंट्स रहे जहां पर फेल हुई. किसकी कौन कौन से पॉइंट्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉलोइंग बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है ना. कुछ बेसिक पॉइंट्स रहे, ठीक है ना, लिमिटेशंस ऑफ वर्नर थ्योरी बेटा. नो डाउट दिस थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन ए लार्ज नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कंपाउंड्स, बहुत सारी प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर तक कैलकुलेट किया इसने इनका, ठीक है ना. नाउ बट कुछ लिमिटेशंस, फर्स्ट लिमिटेशन क्या बेटा, फर्स्ट लिमिटेशन क्या रही कि भाई कुछ स्पेसिफिक मेटल एटम्स ही कोरिलेशन कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, सभी क्यों नहीं बनाते हैं, पॉइंट ये था यहाँ पर, ठीक है ना. व्हाई सर्टेन एलिमेंट्स फॉर्म कोरिलेशन कंपाउंड्स एंड नॉट अदर्स, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना. तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन, कैन एक्सप्लेन कर पाए बेटा, फर्स्ट व्हाई सर्टेन एलिमेंट्स, ओनली सर्टेन एलिमेंट्स फॉर्म
coordination compounds. And not others. दूसरा एलिमेंट दे रहा था, कुछ सर्टेन एलिमेंट ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं, उन्हीं के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम डिस्कस करते हैं बार बार. ओके, तो ऐसा क्यों रहा, व्हाई इट इज सो, क्या रीजन रहा बेटा, ऐसा क्या था, ये थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो क्या बन गई इसकी लिमिटेशन बन गई बेटा. ठीक है, सेकेंड फिर लिमिटेशन क्या रही बेटा इसकी, कि जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो हमने डिस्कस किया था कि उसकी ज्योमेट्री डेफिनेट क्यों होती है, व्हाई कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैज डेफिनेट ज्योमेट्री, व्हाई कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एंटिटी हैज ए डेफिनेट ज्योमेट्री, ए डेफिनेट ज्योमेट्री, ऐसा क्यों है, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई है थ्योरी बेटा, इसलिए इसकी लिमिटेशन बन गई बेटा ये भी. ओके, और थर्ड लिमिटेशन क्या बनी बेटा इसकी, कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं दीज पोजेस डेफिनेट मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, क्यों होती है इनकी मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, क्यों शो करते हैं, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए. ठीक है ना, व्हाई दीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्यों होती है इनकी, इसके बारे में भी ये थ्योरी कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाई. और अगर जिस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे सीधी सी बात है वो लिमिटेशन में आ गया. सो ऑल दिस बिकम लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी. Okay, so this is all about today's lecture, beta. Thanks a lot.